The current video is sponsored by The Baby Stories, the best child photography in town. Hello friends, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कोलकाता के एक ओल्डेस्ट केबिन में. केबिन का मतलब पहले आप लोगों को समझा देती हूँ. केबिन का मतलब होता है एक ऐसा शॉप जो कि काफी पुराना होता है, जहाँ पे आपको कोलकाता के ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट मील्स और सब कुछ मिल जाते हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल ऑथेंटिक कोलकाता के ही फ्लेवर्स मिलेंगे. तो बिना किसी देरी के मैं आप लोगों को डायरेक्टली स्मॉल वेल मेंटेन केबिन में लेके जाती हूँ, जहाँ पे आपको कोई फैंसी स्टफ नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ खाना जो है वो आपको बिल्कुल स्वादिष्ट मिलेगा. तो आइए चलिए मैं आप लोगों को पहले लोकेशन बता देती हूँ. तो आप लोगों को सबसे बेस्ट होगा अगर आप गूगल मैप से आए, और वहां पे आने के बाद श्याम बाजार अगर आप आमिनिया में आते हो, जो कि आपके मतलब कि राइट हैंड साइड पे पड़ेगा आमिनिया, आमिनिया के ऑपोजिट गली में ही बिल्कुल 7-8 कदम के बाद ही जो है ये संजीवनी केबिन है. बहुत हाईलाइटेड है, आराम से आपको दिख जाएगा. और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग गूगल मैप में संजीवनी केबिन डाल के इस लोकेशन में आ सकते हैं. तो आइए चलिए शॉप के अंदर चलते हैं. आप लोगों का मतलब शॉप कितने बजे ओपन होता है? 11 बजे तक. अच्छा, और मतलब कि ये मुगलाई जो कि हम स्पेशल यहाँ पे खाने हैं, यहाँ का मुगलाई के साथ चिकन कोशा, ये कितने बजे से अवेलेबल हो जाता है? सॉरी, मटन कोशा. हाँ, वो कब? मुगलाई से 4 बजे से शुरू होगा. अच्छा, और जो इंडियन मटन कोशा खाए हैं अभी, हाँ 11 से शुरू है. मतलब मुगलाई जो है वो सुबह लंच में नहीं मिलेगा, वो 4 बजे के बाद में मिलेगा. बिल्कुल 4 बजे ही है. चाइनीज इंडियन और फिलिस्तीन जो आइटम है, हाँ, बंगाली से जो आइटम है, हाँ, 11 से. अच्छा, ये थाली 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 भी है? थाली भी है. तो मतलब आपको यहाँ पे जो है थाली भी मिल जाएगा, मटन थाली, चिकन थाली, फिश थाली, एग थाली एंड वेज थाली. और प्राइजेस जो है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, मतलब कि बहुत रीजनेबल रेट में आपको ये मिल जाएगा. और मतलब कितने साल पुराना है ये दुकान? पुराना मैक्सिमम आपका 1989. और आने के लिए अगर किसी को आना हो यहाँ पे तो किस तरीके से आएगा? मतलब अगर मेरे व्यूअर्स अगर यहाँ पे आना चाहे आपके केबिन में, मतलब एक्सेस, मतलब मेट्रो से, बस से, इजी क्या होगा? इजी बस से भी होगा. बस से और मेट्रो से आने के लिए श्याम बाजार मेट्रो. श्याम बाजार है, सामने ही है मेट्रो, ज्यादा दूर नहीं. ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा? नहीं, चलना नहीं पड़ेगा, सामने ही. अच्छा, तो और हमने तो ऑर्डर दे दिया है, देखते हैं कि हमारा ऑर्डर कितनी देर में आता है, और आप लोगों को खा के जरूर से रिव्यू देंगे. थैंक यू दादा हमारे साथ कितना मतलब कि कोऑपरेटिव करने के लिए, थैंक यू. तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा एग मोगलाई, जिसके साथ जो है हमें ये आलू की सब्जी और सलाद सर्व किया गया है. और इसको धमाकेदार टेस्ट बनाने के लिए हमने जो है ये मटन लिया है, मटन कोशा 2 पीस, जिस प्राइस आपको पड़ने वाला है 140 रुपए. ये एग मोगलाई का प्राइस जो है वो है 100 रुपीज. आप चाहो तो चिकन मोगलाई, मटन मोगलाई भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे साइड में ये टेंडर जूसी मटन ऑर्डर किया है, मटन कोशा बिल्कुल बंगाली स्टाइल, इसीलिए हमने जो है मुगलाई को बिल्कुल सिंपल रखा है. बट एक इंसान इसे खत्म नहीं कर सकता. मतलब मैं आपको साइज दिखाती हूँ, ये देखो आप देख रहे हो एक साइज, मतलब कि ये इतना ह्यूज है. आई थिंक मेरे 2 खाने के बाद मेरा तो ये जो है डन होने वाला है. और इसके साथ भैया ने आलू की सब्जी दी, जिसमें कि 4 पीसेस आलू है, डिसेंट साइज के है ये. आई गेस कोशा आलू की सब्जी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कलकत्ता में मुगलाई के साथ जो है सब्जी सर्व की जाती है. और कुछ सलाद मिला है, मैं इसको आपको जो है इसके अंदर की फीलिंग दिखाती हूँ. आई मीन जस्ट फीलिंग देखिए आप, ये बिल्कुल जो है बहुत गर्म है. इसके अंदर बहुत सारे जो है मुझे ऑनियंस, ये कुछ ब्रेड क्रम्स, धनिया पत्ता, एग. तो ये सारी चीज को जो है ब्लेंड करने के बाद इसको अंदर में स्टफ किया जाता है.
और उसको डीप फ्राई किया जाता है, और उसके बाद जो है आपको मिलेगा इतना मस्त वाला मोगलाई। देखो मटन कौशा की अगर बात करें, तो अगर आप शाम बाजार आते हो तो यहाँ का सबसे फेमस है गोलबाड़ी मटन कौशा, वो भी काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन उस जगह से जाने से बेहतर है कि आप यहाँ आओ, एक बार ये कॉम्बिनेशन ट्राई करो, क्योंकि आइए चलिए इसे ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, लग रहा है ना टेम्पटिंग, ये काफी ज्यादा गर्म है, रिच भी है। तो लेट्स टेक अ बाइट। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, मगर अगर आपको ये ही सिर्फ खाना है तो आप प्लेन राइस के साथ भी इसको खा सकते हो। मैंने पहले कभी नहीं खाया है मुगलाई के साथ मटन कौशा, बट ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब जो मैं ट्राई करने वाली हूँ इसको, इसका एवरग्रीन कॉम्बो जो है आलू की सब्जी के साथ, और ये छोटा सा ऑनियन। बहुत अच्छी सब्जी है। मतलब अगर आपको मटन नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, एग खाना है, तो आप एग मोगलाई लो, साथ में ये सब्जी तो आपको मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर आप मटन के साथ इसको खाओगे तो A1 टेस्ट है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप इसको मटन के साथ खाओ। तो मैं इसको खत्म करती हूँ, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपसे मिलती हूँ इसके रिव्यू के साथ। वैसे रिव्यू तो मैंने दे दिया है, लेकिन डिटेलिंग की बात करूंगी पहले, इस मील को मैं खत्म कर लूं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है मटन कौशा के साथ एग मुगलाई पराठा खत्म कर दिया है। काफी हेवी था, मतलब कि ये अकेले के लिए नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो दो लोग साथ आओ, तभी जाके जो है आप इस खाने को पूरा खत्म कर पाओगे। और अगर आप इसकी जेन्युइन रिव्यू की बात करें, तो ये इसके रिव्यू को जो मैं है 8 दूंगी 10th में। जी हाँ, ये काफी अच्छा खाना था, खा के बहुत ज्यादा वर्दी लगा। सिर्फ और सिर्फ 145 में जो है आपको 2 पीसेस मटन कौशा मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ मुगलाई पराठा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में। मतलब आज के टाइम में अगर आपको 250 में दो लोगों का खाना मिल जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अदर सिटीज में कोलकाता के अलावा इतना सस्ता खाना आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो मेरा पेट जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका है, अब मुझे जो है इसको डाइजेस्ट करना है। तो जब डाइजेस्ट कर रही हूँ, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। खाते रहना और खुश रहना, तब तक के लिए बाय बाय।